हेलो नमस्ते नमस्कार सभी को, मैं परीक्षा कपाटिया अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज डेट है 18 फरवरी एंड दिस इज़ द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मैं ये फर्स्ट व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि हम शिवरात्रि को कैसे मनाते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमारे रिचुअल्स रहते हैं, मैं वो सब आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और ऑल्सो मैं बहुत टाइम बाद शिवरात्रि सेलिब्रेट करने अपने गांव आई हूँ। मतलब हम पूरी फैमिली बहुत टाइम बाद गांव में सेलिब्रेट कर रहे हैं शिवरात्रि, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो फ्रेश होते हैं, उसके बाद सारे स्टेप्स करते हैं शिवरात्रि के। हेलो, तो अभी मतलब 3 बज रहे हैं अब, तो अभी तक हम साफ़ सफाई कर रहे थे। तो अब मम्मी जो शिव जी का रोट बनता है, मतलब बड़ी सी रोटी बनती है, 3 मीठी रोटियाँ, रोटी नहीं होती है, मतलब मोटे मोटे रोट होते हैं, रोट बोलते हैं उनको, बोलते हैं हाँ। फिर उसके लिए मम्मी आटा गूंद रहे हैं, और इधर मतलब उसमें जो जिस पानी से उसको गूंदेंगे वो होगा गुड़ का, ठीक है, जिससे वो मीठा बनेगा, और कुछ नहीं। अब मैं दूसरे वाले किचन में जाऊंगी जहाँ पर हम लोग शिव जी की मंडप सजा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कोना, जिस कोने में ये है जगह जहाँ पर हम बनाएंगे महादेव का मंडप। जब तक मैं यहाँ पे बैठ के मंडप सजाऊंगी, तब तक मम्मी पीछे रोड बना रहे हैं, उसके बाद मैं उनको यहाँ पे ला के रख दूँगी। तो इस तरह से बन रहा है हमारा रोट। इसमें जो है डिज़ाइन डाला है डोडी से, दिखाओ मम्मी क्या डोडी, जो कि होती है अफीम, अफीम इससे बनाते हैं इसमें डिज़ाइन। पहला रोट यहाँ पर आ गया है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर सबसे कोने में लगेंगे जौ और पाजा, तो मैं पहले जौ लेकर आती हूँ। पाजा भी है नहीं, वो मंगवा रखा है इसी से। जो जौ होता है वो हमें अपने खेतों से लेके जाना होता है, तो यहाँ मैं अपने खेत पे आ गई हूँ, यहाँ पर जौ हमने उगाए हैं, तो मैं यहाँ से जौ उठाती हूँ और लेकर जाती हूँ। भगवान कैसे निकालूँ, इतना काफी होगा नहीं, थोड़ा ले जाते हैं। चलो इतना काफी है, जो मैंने अपने खेत से निकाला है, जो कि अपने ही खेत से निकालना होता है और बाद में वापस यहीं पे रखना पड़ता है। रोड भी बन गया था, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये मैं लेके आई जौ, तो हम इसको बिठा देते हैं इस कोने में। ओके, अभी तक सब 2 रोड बने हैं, 3 बनते हैं, 3 चीज़ें, और मैंने पोस्टर लगाया है शिव जी का। मैंने आटा डाल दिया है और इस पे लगता है ये चंद्रहार, और ये 3 चीज़ें अभी हुई। ये पोस्टर मैंने रखा, अब मूर्ति तो बन के तैयार हो गए हैं तीनों, और इसके इनके ऊपर लगते हैं बकरे, बकरे मतलब बकरू, बकरे आटे के। तो अभी मम्मी उनको बना रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनता है बकरू, इसकी टांगे बन गई हैं, और बन रहा है इसका सिर। ये बन गया है हमारा बकरू छोटा सा, बकरे को तल दिया गया है। शिव जी का थोड़ा थोड़ा मैंने मंडप सजा दिया है फ्रूट्स से, मैंने थोड़ी सी लाइट्स भी लगा दी, पता नहीं अजीब सी लग रही है मुझे तो अब। और ये बन गई हमारी शकड़ियाँ,
शाकवी, हम बोलते हैं इसको शाकवी और कुछ लोग इनको कहते हैं शकड़ी। तो मैं तो कहूँगी शाकवी ही, क्योंकि बचपन से हमने शाकवी ही बोला है। मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़े यहाँ पे, थोड़े से इस साइड पे रख देते हैं कहीं। और कहाँ पे रखूँ, चलो मैं इसको सेट कर देती हूँ। अब बन रहे हैं बड़े, जिनको मम्मी तल रही है। ये बाहर बना रहे हैं, मैं अब खाना बना रही हूँ। मम्मा पीछे कुल्लू वगैरह बना रहे हैं। कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत अभी तैयार हो गया है। ये हमारे हैं शिव पार्वती जी और गणेश जी, और ये है शिव जी के रोट, तीन बनाए हैं। और ये देखो, ये है बकरू, और ये हमारा पुराना दिया, दिया जितना पुराना इसमें लगे वो उतना अच्छा रहता है। और ये है बाजा, बोलते हैं कि जब महादेव आते हैं आपके इसमें बैठने के लिए, तो वो सबसे पहले इन पत्तियों में आते हैं, मतलब इन पत्तियों में पहले वो विराजमान होते हैं, उसके बाद उनका आसन रहता है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और मैं देखती हूँ इसमें और क्या क्या लगाएंगे पापा। और इधर हमने किया थोड़ी नहीं, ये तो जोत जल गई, जोत है। चलो बनने दो आपको, जो इसने धूप डाला। और कहाँ है धूप, क्या जड़ी धूप नहीं जैसा। अरे और भी ना करना था, बहुत ही ज़्यादा क्या करना। बंद करो, वो चम्मच। तो जितना आता था उतना तो नहीं था। इंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हम जो विवाह की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं। यादास्ती होना है। आओ नानी, उधर दो। Oh,
बड़ी दे रे इसको बड़ बड़े अरे वो देख घंटी यार अब देख घूमती घूम रही है क्या घूम रही है आराम से घूम देख रास्ता करते बस माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा प्रसाद दिया मेरे को मम्मी ने भी सिर्फ ओके तो यहाँ से आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मतलब पूरा दिन काम करके मैं थक गई थी और उसके बाद मुझे मैं जल्दी सो गई थी तो इस तरह से कुछ हमने सेलिब्रेट किया शिवरात्रि को और इसके आगे भी बहुत से स्टेप्स रहते हैं जैसे हमारे शिव जी को विदा करना होता है रात में या सुबह के वक्त तो वो करना था वो मम्मी पापा ने किया खुद से मैं सो गई थी और तो हमारे उसको कहते हैं सबाना तो मम्मी पापा ने शिव जी को सबा दिया था और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें कमेंट लाइक जो आपका मन करे दिल खोल के करें थैंक यू